अंकल जी, पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। अरे मेरे दिमाग का कड़ा कर दिया इस आवाज ने। हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। चैनल पर नए हो तो मेरे बिना कहे सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना ताकि हर वीक आपको एंटरटेनमेंट मिलता रहे। इंट्रो से तो समझ ही गए होंगे कि किस शैतानी ताकतों और वीएफएक्स के देवताओं से मिलवाने जा रहा हूँ मैं। इनके कंटेंट में लॉजिक तो मैं भी ढूंढ रहा था, लेकिन जादुई मटके और नागिन के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो क्योंकि आंख और गांड दोनों फटने वाले हैं। बेटा ये देखो जादुई कुआं है, सुना है इसे जो मांगो वो पूरा होता है। चलो इसे बीस मांग करते। जादुई कुआं मुझे कुछ ऐसी चीज दे जिसे मेरी सारी बीस पूरी हो। अकल के अंदर जब कुआ ही जादुई है तो उससे डायरेक्ट ही विश मांग लो ना। ये क्या होता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज दे दो जिससे मेरी विश पूरी हो सके। जब आपको सुबह सुबह नीम की धातु ना मिले और आप पत्थर से दांत घिसाए तो यही होता है। सुनो, मैं स्कूल से आया हूँ तुम्हारी इच्छा पूरी करने। करने? लो जादुई गुड़िया, तुम इससे जो मांगोगी वो मिलेगा। इससे तुम एक दिन में दो ही बीज मांगना वरना सब कुछ गायब हो जाएगा। देखो कुएं से पानी निकलता है तो बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन कुएं से नेवला निकलते हुए पहली बार देखा है मैंने। और एक तो इस बच्चे को हड़प्पा जमाने की भाषा पता नहीं किसने सिखा दी, मैं तो डीकोड करना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। मोरल ऑफ द स्टोरी, कुरकुरे की जगह तुरतुरे मांगो और टकाटक मिल जाए तो लॉजिक की तो माँ। क्या बढ़िया था गुरु। परसों से मैं स्टडी बियर में कहती थी, तुमने मुझे आजाद किया है, जादू लगता। लेकिन हाँ, तुम इसे दो ही बार भी मांग सकते हो। ये कहाँ से आ गई दनन की इंडियन कजन? जादुई चीजों की माँ चोद के रखी हुई है इन्होंने। चाहे जादुई कुआ हो या जादुई मटका, लेकिन विश आपको दो ही मिलेगी बस। इनको चाहे हिंदी ठीक से नहीं आती हो, लेकिन मटका फौरन से ला रखा है, सिर्फ डॉलर रखता है, मानो मटका ना हुआ। अमेरिका का दलाल बहनचोद। अरे श्री राम जी का मंदिर, एक काम करती हूँ, बच्ची को इसी जगह बैठा कर दर्शन कर लेती हूँ। अरे राम का नाम सुन के मेरा माथा फटने लगता है। वो अपने बच्ची को छोड़कर मंदिर में चली गई। काम करता हूँ, उस बच्ची को ले जाकर जंगल में छोड़ देता हूँ, कोई ना कोई जंगली जानवर खा ही जाएगा, उससे पहले अपना चेहरा बदल लेता हूँ। अरे मेरी बेटी कहाँ चली गई? मैं अपनी बेटी को इसी जगह बैठा गई थी। बेटा इसे यहीं पे बैठा देता हूँ, जानवर आएंगे और इसे खा जाएंगे। अरे मेरा बेटा, मेरा बच्चा, कहाँ हो तुम? अरे इतने सारे जंगली जानवर मेरी बेटी को खा जाएंगे। हे श्री राम जी, मेरी बेटी की रक्षा कीजिए वरना ये जंगली जानवर मेरी बेटी को खा जाएंगे। अरे ये सब कहाँ चले गए? अरे मेरा बच्चा तो वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। डायनासोर वापिस आ गए, जुरासिक पार्क की तरह जमुना दास पार्क बना दिया इन्होंने तो। और दीदी अगर मंदिर जा ही रही थी तो बच्चे को भी ले जाती, लेकिन नहीं, ऐसा कंटेंट बना के लोगों के सोचने की शक्ति को भी तो खत्म करना है। इमोशनल डैमेज। मम्मी और के कोई रास्ते में गिरा हुआ है। नहीं बेटा, ऐसे अनजान लोगों को नहीं छूते हैं। मम्मी मैं तो जाऊंगा। नहीं बेटा मत जा। अंकल क्या हुआ, उठिया? कितना हरामी बच्चा है बेचारा, पार्क में कोई कौवा मार के सो रहा है और चल दिया गांड में उसकी उंगल करने। मूर्ख बालक, ये मेरा फैला हुआ महाजाल है, तू इस जाल में फंस चुका है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरे बेटे को तो शैतान खा लेगा, मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, श्री राम जी के मंदिर चलती हूँ। हे प्रभु श्री राम, मेरे बेटे को एक शैतान खा लेगा, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही कुछ करिए प्रभु श्री राम। मैं तुम्हें एक जादुई मटका देता हूँ, उससे तुम अपने बेटे को वापस ला सकती हो। इससे तुम केवल दो ही बीज मांगना। सारा घुमा फिरा कर मटके पे ही क्यों आ जाते हैं? बाकी लड़कों की तरह मुझे भी रशिया की ट्रिप करनी थी, लेकिन उससे पहले मुझे ये मटका चाहिए, क्योंकि फिर ये सेम काम मैं यही बैठे कर सकता हूँ।
तेल मैं उससे जाकर ले लेता हूँ। हे भोलेनाथ, मैं अपने बेटे को कैसे रुको, तुम्हारे बेटे को शैतानी आत्मा ने कैद कर रखा है। बेटे को बाहर कैसे उसे बाहर निकालने के लिए और शैतानी टेडी बियर मुझे ला कर दो। ध्यान रहे, उसे लेने के बाद तुरंत भागकर मेरे पास आ जाना। मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, तुम इसे लेकर नहीं जा सकती। ले लीजिए। तुमने अपने बेटे के साथ साथ और लोग को भी आजाद कर दिया। शुक्र है मार्क भैया ने अभी तक इनका कंटेंट नहीं देखा है, अगर देख लेता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। यही सब देखने के लिए तो देश को आजादी मिली थी। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। इसे इसी जगह कुछ समय तक छोड़ देती हूँ, तब तक ये कुछ खा पी लेगा। शैतान अमर रहे, शैतान अमर रहे। लगता है खरगोश का ताजा मांस खाने को मिलेगा। नामू नामू नामू, अभी पेट नहीं भरा, मैं इसके मालकिन को भी खाऊंगा। काफी समय हो गया, खरगोश ने तो कुछ न कुछ खा ही लिया होगा। अरे हो रहा है। मैं तेरे खरगोश को खा गया, अब तेरी बारी, मैं तुझे भी खाऊंगा। मैं खरगोश को खा गया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे मेरे हाथ तो खुल गए। जय भोलेनाथ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। और क्या करें, अगर पसंद नहीं आई हो तो पूरी वीडियो में खरगोश की गांड मारी है। बस उस बेचारे की भी बस इतनी गलती थी कि वो कुछ साल पहले कछुए से रेस हार गया था। यार चल, आज हम लोग पूरा जंगल घूम कर आएंगे। ठीक है। अरे वो देखो आसमान में क्या उड़ रहा है। हाँ यार तू यही रुक, मैं देख कर आ रहा हूँ क्या उड़ रहा है। बावली गांड, जब तुम्हें दूर से दिख रहा है कि कुछ उड़ रहा है तो उसके नीचे जाके खड़े होने की क्या जरूरत है। वो यूएफओ है तुम्हारा, जादुई मटका नहीं जिसमें से फ्रूटी और कुरकुरे निकलेंगे। अरे हाँ यार, ये क्या चीज है। अरे तो मेरे दोस्तों को अंदर लेके चला गया है। काम करती हूं, बाबा कुछ चलती हूं। बाबा बाबा, आसमान से पता नहीं क्या आया, मेरे दोस्त को लेकर चला गया। बच्चा वो सिर्फ हर अमावस्या को आती है और एक इंसान को उठाकर लेकर चली जाती है। कुछ करिए उसे बचा। बच्चा उसे दोबारा आने का इंतजार करना होगा, कल अमावस्या है, वो जरूर आएगी। वो जैसे ही आएगी मैं अपने शक्तियों से उसे नष्ट कर दूंगा। ठीक है बाबा। ओम हिलीम क्लीम फट। चलो घर। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। सिर्फ 10 सेकंड के लिए मैं इस बकचोदी में ऐसे खो गया था जैसे अवेंजर्स एंडगेम का सीक्वल देख रहा हूँ। और ये एलियन है, ये ऐसे लग रहा है वेजिटा और ब्रोली की क्रॉस ब्रीड को खड़ा कर दिया हो। बाबा ने मंत्र मारा ओम हिम क्लीम फट और यूएफओ नीचे गिर गया, फट गया, लिटरली नीचे गिर गया। मतलब अगर आज MIB वाले सच्ची में होते और बाबा को देख लेते तो जहर खा लेते। लो आगे देखो। हे प्रभु श्री राम, उस लड़के ने आपका मंदिर तो इधर ही बताया था। लेकिन इधर जंगल ही जंगल है, मैं आपका मंदिर कहाँ ढूंढूं। मेरे कहने के मुताबिक तो इस जंगल में आ गई। जंगल में कहीं दूर दूर तक पानी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मैं पानी कहाँ ढूंढूं। अच्छा, इसे प्यास लगी है, मैं पिलाता हूँ पानी। ये जहर वाला पानी पीकर वो मर जाएगी, तब मैं उसे खा जाऊंगा। सुनो, तुम्हें प्यास लगी है ना, ये लो पानी। हाँ मुझे प्यास लगी है, पर तुम्हें कैसे पता, लाओ फिर भी दे दो। मेरे रक्त को कुछ नहीं हो सकता। आंटी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिला सकती हैं? ठीक है लो। आंटी पानी तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं बेटा। अरे ये सारा पानी ये लड़का पी गया, ऐसे कुछ हुआ क्यों नहीं? इसका मतलब प्रभु श्री राम जी। मैं आगे चल के प्रभु श्री राम जी का मंदिर ढूंढती हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर। पसंद आना तो दूर की बात है, मुझे तो समझ भी नहीं आई। कोई अजनबी आके पानी दे जाता है, पानी बच्चे को दे दिया, बच्चा गायब। और एक ये बच्चा जब सब पैदा हुआ है तब से ही प्यासा है क्या।
बचाओ। हे माता रानी, आपका सेवक मेरे जान के पीछे पड़ा है, मेरी रक्षा करिए माँ। तुम चिंता मत करो, इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता मैं तुम्हें बताती हूँ, अपना हाथ आगे करो। ये लो जाती पानी, इसे पीकर तुम जंगल से बाहर जा सकती हो। ठीक है, जय माता रानी। भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनी। जिस तरीके से शेर इसके पीछे पड़ा है, लगना ही ना शेर है, कुत्ते का पिल्ला ज्यादा लग रहा है। लगता है शेर भी इनकी तरह प्यासा है, बेचारा थक चुका है इनका साथ दे दे के। बाबा देखिए कि कितना सारा भरा, मुझे भी अब तोड़ के दीजिए। नहीं, लेट हो रहा है, चल जल्दी से। अरे यार बाबा, मुझे नहीं दिलवा के, मैं जा रहा हूँ लेने। अरे वाह, अरे ये क्या हो रहा है? अरे बेटा तू कहाँ चला गया? अरे ये तो अंदर चला गया, अब मैं क्या करूँ? एक काम करता हूँ, बाबा के पास चलता हूँ। चाहे बच्चा गिर जाए, खो जाए, गायब हो जाए, एलियन आ जाए या फिर शैतानी गुड़िया हो, ये जादुई मटका बहनचोद हर समस्या का समाधान है इस बाबा झाटू के पास। और ये जंगल में कर क्या रहा है मुझे सही में नहीं पता है। बाबा मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा। ओ इधर आ जाए, मैं फंसा कर मैं बच्चों का खून पी जाऊंगी। बच्चा उस आम के पेड़ में एक चूड़ा रहती है जो बच्चों को आम का लालच देकर जमीन में लेकर चली जाती है। कुछ करिए बाबा, उस जगह की मिट्टी को ले जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़ाना होगा, भोलेनाथ की शक्ति से वो चूड़ा जल कर राख हो जाएगी। ठीक है बाबा। यही तो दिक्कत है, तू वापस क्यों आ गया? मैंने पहले ही कहा था ना, बच्चा भले ही छोटा है पर हरामी पूरा है। मोरल ऑफ द स्टोरी, बच्चों अगर तुम्हें आम जमीन पे गिरा हुआ दिखे तो मत उठाओ, उसकी जगह माजा पी लो, जमीन में तो नहीं धसोगे। अरे रुक जा, कहाँ भाग रही है? रुक लड़की, रुक जा वरना मैं तुझे मार डालूंगा। हे महादेव मुझे बचा लीजिए, और नया गुंडा मुझे मार डालेगा। अरे लड़की कहाँ चली गई? अगर आज ये लड़की नहीं मिली तो बॉस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, आगे चल के खोजता हूँ। लड़की को खोज रहा है या नौकरी? अपन रुको, ये क्या चल रहा है पीछे? कौन सा पार्क है जहाँ दिन दहाड़े इतनी अश्लीलता फैलाई जा रही है? मतलब दीन दुनिया का भी कोई ख्याल नहीं रहा, सरेआम एक दूसरे की आइस लॉली नाप रहे हैं। अब समझ आ गया मुझे, ये इतना जहरीला कंटेंट लाते कहाँ से है? सब इस जगह की देन है। एक लड़का जंगल में पेड़ काट रहा था तभी अचानक, पेड़ ऐसे काटो और फोन उल्टा उठाओ कि चार लोग कमेंट में चार गालियां बककर जाएं। हेलो, तुम्हारी माँ का तबीयत खराब है, जल्दी 2 लाख रुपए लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। क्या? सुनो तुम इतना परेशान क्यों हो? मेरी माँ का बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बोला है 2 लाख रुपए लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुँचो, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मैं क्या करूँ? ले लो एक डायरी। लेकिन मैं इस डायरी का क्या करूँगा? एक जादुई डायरी है, इससे जो चाहो वो तुम मांग सकते हो। हाँ ठीक है। हे जादुई डायरी, मेरी माँ का बहुत तबीयत खराब है, मेरी माँ को ठीक कर दो। हेलो, तुम्हारी माँ ठीक हो गई? क्या सच में मेरी माँ ठीक हो गई? हाँ सच में तुम्हारी माँ ठीक हो गई। मैं समझता हूँ कि कम बजट भी एक चीज होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एक बंदे से ही पूरी वीडियो में वॉइस ओवर करवा लो। तुम्हारी माँ ठीक हो गई? हाँ मेरी माँ ठीक हो गई। पापा रुकिए रुकिए, लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया, चलिए देखते हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसे अंदाजे में किसी को खाद नहीं लगाना चाहिए, हो सकता है हम लोग किसी मुसीबत में फंस जाए। नहीं पापा, मैं तो जाऊंगी देखने। अरे बेटा नहीं, अरे नहीं बेटा। अरे दीदी आपको क्या मदद दी? उठिए दीदी आपको क्या मदद दी? पापा मुझे बताइए पापा। अरे अरे मेरी बेटी है विद्युति, अरे लगता है चुड़ैल ने तुझे बचाया, मुझे पकड़ ले प्लीज, मुझे छोड़ो चुड़ैल। तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, मेरा बना इलाका है, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। चुड़ैल छोड़ दे, मुझे तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता था कि जोकर की बीवी या इंडिया में बच्चे उठाने का काम करती है, वो वहाँ बेचारा गौतम सिटी में अपना बिजनेस सेट करने में लगा हुआ है।
क्या इनके पास सारे बच्चे ऐसे ही हैं जिनकी आवाज कान में ऐसे चुपती है मानो किसी ने कान में सुई डाल दी हो। कुछ दिनों में इनका खुद का एक मल्टीवर्स होगा और उस मल्टीवर्स में जादुई मटका, जादुई किताब, जादुई लोड़ा लसन सब आ रहा होगा। मेरे तन गुटा तो नीचे गिर गया, चल कर ले लेता हूँ। मंदिर के दर्पण। मम्मी क्या हुआ बेटा? मम्मी अब बिच्छू। अरे बेटा वो बिच्छू नहीं, शैतान है, चल भाग यहाँ से। अरे बेटा तू इसी जगह बैठ, मैं अभी श्री राम जी के मंदिर से आती हूँ। हे प्रभु श्री राम, मेरे बेटे के पीछे एक बिच्छू पड़ा है, आप ही कुछ कर सकते हैं प्रभु श्री राम। मैं तुम्हें जादुई मटका देता हूँ, तुम उस बिच्छू को गायब कर सकती हो। कभी बोलती है बिच्छू, कभी बोलती है शैतान दीदी, पहले सोच लो क्या बवासीर है ये। फिर वही मटका, एक काम करो वो मटका मुझे दे दो, मैं अपने सर पे मार लेता हूँ, थोड़ा आराम तो मिलेगा मुझे। तो दैट्स इट गाइस, आज की बकचोदी यहीं तक थी। तो इनका VFX आपको पसंद आया हो या ना आया हो, लेकिन वीडियो का कौन सा पार्ट आपको पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बता देना मुझे। और हाँ, इनसे कोई पर्सनल हेट नहीं है मुझे, ना ही आप दे, वीडियो को बस एंजॉय करो। और हाँ, ये जादुई मटका लेने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना।